महिंद्रा XUV 300 में पैनोरामिक सनरूफ आ सकती है। मारुति ब्रेजा का क्या होगा, नेक्सॉन भी CNG लेकर आ रही है पूट स्पेस के साथ, आपको कौन सी लेनी चाहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आयुब हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस GT और आज बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट की, जो कि हो जाता है कॉम्पैक्ट SUV। यहां पर टाटा ने अपना बाण छोड़ दिया था, टाटा ने बाण चलाया और नेक्सॉन ICNG ड्रॉप कर दी। यहां पर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो अब CNG में बूट स्पेस भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मारुति काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकती है या फिर उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। ये तो पता चलेगा जब ये कार लॉन्च हो जाएगी CNG वाली, जिसमें है तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त, और यहाँ पर इस वक्त को महिंद्रा बिल्कुल ज़ाया नहीं करने वाली है। खबरें आ चुकी हैं, फेसलिफ्ट के लीक आ चुके हैं, XUV 300 आ रही है भाई साहब, और हो सकता है पैनोरामिक सनरूफ के साथ आ जाए। देखो, महिंद्रा हो चुका है बिल्कुल ही बॉलीवुड का प्रोड्यूसर टाइप, वो माहौल देखकर बिल्कुल ही शांति के माहौल में अपनी कार को लॉन्च करने की प्लानिंग करेंगे, और 3 महीने कम से कम लगेंगे भी नेक्सॉन CNG आने को। तो ये बिल्कुल ही गोल्डन पीरियड हो जाता है यहाँ पे कि महिंद्रा बिल्कुल ही सही टाइमिंग हो जाएगी अगर वो यहाँ पर इसे लॉन्च कर देते अपनी कार को। और दोस्तों, महिंद्रा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, इंडियन कंपनी है अपनी, जैसे टाटा के बिल्कुल धासु फैन है, मारुति के बहुत धासु फैन है, उसी तरह भाई महिंद्रा के भी बहुत तगड़े फैन है, और कुछ तो इतने सीरियस फैन है भाई, जो लिटरली वेट कर रहे हैं कि फेसलिफ्ट आएगी जैसे XUV 300, मैं तो वही बुक करूंगा। और उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात हो जाती है। नेक्सॉन और ब्रेजा का तो कंपटीशन चल ही रहा है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है 1500 cc और 1.2 टर्बो वहां पे टाटा का, पर अब टक्कर में क्या होगा, XUV 300 भी टर्बो लेके आती है, आपको पता ही है 1.2 में, अब यहाँ पे होगा असली घमासान। और र्यूमर्स तो भाई ये भी है कि हो सकता है महिंद्रा भी इस बार CNG की ट्राई करे, क्योंकि अब टाटा ने भाई टर्बो में जब से CNG फिट कर दिया है ना, माहौल हो चुका है गर्म, तो महिंद्रा को बिल्कुल स्टेप अप करना चाहिए। ये र्यूमर्स है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, पर इमेजिन करो भाई XUV 300 आ रही है, जहां पर आपको फेसलिफ्ट मिल रहा है, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है और CNG लगी हुई है। मैं तो सोच कर हैरान हूँ कि भाई इस कार का क्या होगा, मतलब लिटरली बहुत तगड़ा, मतलब आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इतना कॉम्पिटिशन होने वाला है भाई सेगमेंट में। और मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि हिंडई वेन्यू हो गई अपनी और जो सोनेट हो गई ना, ये अभी भी खेल रहे हैं अपना इंटीरियर गेम में, क्योंकि यहाँ पर XUV 300 के ना जो इंटीरियर है, मुझे ऐसा लगता है यार, देखो टॉप मॉडल के एनहेंस होंगे, और पैनोरामिक सनरूफ भी अगर डालनी होगी ना, तो टॉप मॉडल में ही डालेंगे वो लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे फुल पैसा कमाने की कोशिश तो करेंगे, सेगमेंट में और कोई तो दे नहीं रहा अगर वहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आती है तो। बेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ ना, इतने खास इंटीरियर मुझे नहीं लगता बिल्कुल ही गेम बदल जाएगी, पर एक्सटीरियर में जो भी चेंज होंगे उसका लुत्फ उठा पाएंगे बेस मॉडल जो भी बुक करते हैं XUV 300 वाले। अब इतनी सारी चीज़ों में भाई आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, आप कैसे मन बनाओ, तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेज तो जो लोग ऐसे कंफ्यूज होते थे ना कि यार मैं टर्बो पावर भी चाहिए, पर उनको टाटा के कईयों को इंजन पसंद नहीं थे और मारुति के इंटीरियर पसंद नहीं थे कि भाई मारुति की कार बेकार लगती है, ठीक है, तो यहाँ पर XUV 300 फेसलिफ्ट एक नया तोहफा या फिर आपके लिए बिल्कुल ही ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि 5-स्टार ग्लोबल एनकैप आ जाती है, लुक ओवरऑल एनहेंस कर दी, जिन लोगों को शिकायत थी कि यार अभी आउटडेटेड से हो रहे हैं, तो अब वो सब बदलने वाला है। तो यहाँ पर जो XUV 400 थी ना, इनकी EV, उससे रिलेटेड ही कुछ इंटीरियर आएंगे बिल्कुल ही, और उन लोगों को भाई मजे आ जाने वाले हैं। इंजन हो जाता है बहुत ही तगड़ा, XUV 300 का अगर मैं बात करूँ, काफी टक्कर का इंजन है भाई साहब, टर्बो में आ ही जाता है यार, डीजल ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे, पेट्रोल ऑप्शन अवेलेबल है, CNG अगर गलती से डाल दी तो गेम बहुत ही खतरनाक हो जाएगी यहाँ पे। अब आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार अपने भाई सारे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, और कमेंट कर दिया करो आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन हो, आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट हो यार। मैं बिल्कुल ही ऐसा ना वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि भाई कि बहुत तगड़े व्यू चाहिए, क्या चाहिए, डिस्कशन जब बढ़िया होता है तो मजा आता है। कमेंट वमेंट करा करो, थोड़ा सा मेरे को भी डस लिया करो कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, तुम गलत तो नहीं कह रहे, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल ही, और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। कुछ भाई पूछ रहे थे ब्रेजा लवर कि भाई ब्रेजा का फेसलिफ्ट कब आ रहा है, क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, देखो अभी तो नहीं आएगा यार, क्योंकि ब्रेजा को भी 3 साल भी नहीं हुए, कम से कम 3-4 साल का टाइम लेती है कंपनी, तो अभी तो यार यही वाली चलने वाली है, कोई अगर चेंजेस कुछ हो भी सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मारुति अगर अपना इंटीरियर इंप्रूव कर लेना तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो कंपटीशन बिल्कुल ही ज्यादा तगड़ा हो जाएगा यहाँ पे। और जिन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या XUV फेसलिफ्ट का बूट स्पेस बढ़ सकता है, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं ना यार, मेरे को डाउट है, डाउट ये है मुझे कि हो सकता है वो उस बूट स्पेस को बढ़ा लें जैसा कि र्यूमर्स आ रहे हैं,
पर मुझे ये डर है कि यार कहीं ना वो उसका जो लेग रूम है ना वो ना कम कर दें कार का, ठीक है, जो व्हील बेस होता है ना अपना, व्हील बेस में कोई कंपटीशन मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दें कि यार बूट स्पेस तो डाल दें, क्योंकि पहले भी लोगों की ना यही शिकायत थी उसमें। एक बात तो है भाई, पांच लोग बहुत तगड़े से खुलडुल के बैठ पाते थे, पर बूट स्पेस था ही नहीं यार, उनका सामान ही नहीं रख सकते थे, तो पांच लोग क्या करेंगे। इस वजह से थोड़ा सा कार को यू नो बैकलैश मिला था, थोड़ी सी उसकी लाइक सेल्स पे असर तो पड़ा था इस बात से। बहुत सब कुछ बढ़िया करने के बाद भी उन्होंने जब बूट स्पेस को किल किया ना, तो ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। कंपैरेटिवली देखो नेक्सॉन टर्बो भी दे रही है भाई, मतलब टाटा ने यार माइंड तो बहुत तगड़ा यूज करा हुआ है। आप ये देखो ना, सीएनजी में भी बूट आ गया, टर्बो नॉर्मल में भी बूट है, ठीक है, इवन ब्रेजा भी बहुत अच्छा स्पेस दे देती है। अगर हम पेट्रोल वाली की बात करें बूट की, सीएनजी में भाई मारुति के अंदर भी आपका किल हो जाता है, पर उनका यार स्मूथनेस की गेम थोड़ी सी अलग हो जाती है, इंजन की रिफाइनमेंट की गेम अलग हो जाती है। तो कंपटीशन तो सबसे तगड़ा ना इन तीनों कारों में चलने वाला है फिलहाल आने वाले दिनों में। रही बात वेन्यू और सोनेट की, देखो ये कार हो जाती है थोड़ी सी अलग, बिल्कुल गेम चेंजर इनका अपना, इनका यार देखो एक ना सोनेट की जो मैं अगर बात करूँ ना यार, उसका जो IMT है ना, मेरे को वो इतना लॉजिकल चीज़ लगी। जैसे कई लोगों को पता होगा मैंने पहले ना सोनेट बुक करी थी, फिर मैंने बाद में कुछ रीजंस की वजह से कैंसिल करी है सोनेट। उसका जो IMT है ना यार, उसमें जैसे मैं चाहता था कि मैं कभी ना AMT मुझे तो पसंद नहीं है कि यू कर दिया और चले जा रही है कार, वो मेरे को ना स्कूटी टाइप लगता है। हालांकि सब्जेक्टिव है, हर ड्राइवर की अपनी चॉइस होती है, पर उसके अंदर क्या था, IMT में ना आप गियर लगाओ और था वो ऑटोमेटिक ही, क्लच नहीं था उसमें। गियर लगाया एक और रेस दी चल गई, दो करा चल गई, तो उसमें ना मैनुअल वाली वाइब भी थी और AMT वाली फील भी थी। तो थोड़ा सा वो एडवांटेज ही होता है, जैसे आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, फादर दादा वगैरह, कोई भी चला सकता है, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता पंजे पे मतलब। उसके बाद तो यार बाकी इंटीरियर्स की मैं क्या ही तारीफ करूँ, जो फील गुड फैक्टर है ना यार वेन्यू का और सोनेट का, वो थोड़ा सा एक एक्सट्रीम लेवल पे तो है यार। अच्छी हैवी प्लास्टिक के साथ एक यू नो अच्छे इंटीरियर वेन्यू में आते हैं, बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड कार लगती है पढ़ी लिखी से वेन्यू मेरे को। कॉर्पोरेट लोगों वालों के लिए भाई, मैं मेरे कुछ दोस्त हैं कॉर्पोरेट वाले, एक दो के पास वेन्यू ही है, लाइक बहुत अच्छी लगती है मेरे को वेन्यू की, एक अलग क्लास है। सोनेट अपनी थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है, हर कार की अपनी एक अलग खूबी है। आप लोग जैसे कमेंट करते हो ना दोस्तों कि मैं कौन सी कार लूँ, सजेस्ट करो मुझे, मेरा ये बजट है, तो थोड़ा सा और डिटेल दिया करो कि आपकी रनिंग कितनी है, क्या बजट लेकर चल रहे हो, ठीक है, क्या CNG में भी जा सकते हो, पेट्रोल में ही रहोगे, डीजल में, टर्बो इंजन चाहिए, नॉन टर्बो चाहिए। खाली जैसे ये कमेंट आता ना कि ये दो गाड़ी है मेरे लिए कौन सी बढ़िया है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपकी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट क्या है, क्या यूसेज है, हिल्स पे जाते हो नहीं जाते, थोड़ा सा अगर और डिटेल दोगे तो मैं इजीली रिप्लाई कर पाऊंगा। और भाई देखो सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे तो फिर मजा आता है और रिप्लाई करने में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफी सारी बातें हमने कर ली है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।